आप कह रहे हैं कि आप जो करते हैं उसका ऐसा करते हैं कि जिसका अफसोस न हो आपको इसका अफसोस है कि आप कैंपेनिंग में जब निकले तो मोटरसाइकिल आप चला रहे थे पीछे वो बैठे हुए थे और अब आप सवारी भी नहीं है जब वो गाड़ी चला रहे हैं तो <laughs> उस समय भी मैंने हमेशा मान सम्मान किया सब लोगों का क्योंकि मैं बहुत कम उम्र में कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बन गया था और हमारे समाज में उम्र का एक प्रीमियम होता है और जितने भी नेता राजस्थान में थे अधिकांश जो अनुभवी लोग थे वो सब मुझसे दस पंद्रह बीस साल उम्र में बड़े थे तो मुझे लगा मैं इनसे उम्र में छोटा हूँ लेकिन पद मेरा बड़ा है तो उन लोगों को लगना नहीं चाहिए कि ये बड़े पद पर बैठा है और हम लोगों को तो मैंने एक उसको बोलते हैं अंग्रेजी में बेंडिंग वो बैकवर्ड्स तो मैंने दोगुना झुककर कर उन लोगों को लगना चाहिए कि मैं उनके घरों में गया मैंने घुटनों को हाथ लगाया हाथ जोड़े दादा दादी चाचा ताई सब बोल के सबको मैंने कहा भाई आपको लगना नहीं चाहिए कि क्योंकि आज मेरे पास पद है तो आप कहीं आपको आपको, आपको अजीब लगे मेरे साथ काम करने में तो मैंने सबको साथ लेकर चला क्योंकि पार्टी को ज़रूरत तो समय थी आप मत भूलें कि राजस्थान में दो विधानसभा सीटें हैं हम लोग इक्कीस पर रह गए थे अगर हमारी एक सीट कम होती तो हम नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाते तो उस हाल में हम लोग थे जब मुझे कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आप अध्यक्ष बन के काम करिए और फिर इन पाँच सालों का लंबा संघर्ष रहा सब ने सहयोग दिया मैंने सबका सहयोग लिया भी और उसका परिणाम था कि हम लोग सरकार बना पाए दो के अंदर अब कैसे बनेगी अब जो चल रहा है इसमें कैसे बनेगी आप जब गाड़ी एक साथ चला रहे थे तब सरकार बन गई ना अब तो गाड़ी जैसे चल रही है सारी दुनिया देख रही है अब कैसे बनेगी सरकार फिर ये आ, और वैसे भी राजस्थान राजस्थान में बदल जाता है अब हर बार बदल जाता है बदलता है और पिछले तीस साल से हो ही रहा है हर पाँच साल में सरकार बदल जाती है और चिंता इस बात की भी है मुझे किशोर जी की जब दो सीटें हैं हम सरकार में रहते हैं काम करते हैं लेकिन जब हम सत्ता छोड़ते में हारते भी हैं तो उतना लंबा हारते हैं कि वो गैप बहुत लंबा हो जाता है एक बार हम रह गए थे पचास बावन सीटों पे, फिर रह गए इक्कीस सीटों पे, तो उसको कवर अप करना बहुत मुश्किल एक चुनौती रहती है और मैंने अपनी पार्टी के अंदर जो हमारा तो वैसे ही डर लग रहा है आपको इस बार क्या करें रहे ऐसा ही डर लग रहा है आपको ऐसा लंबा हारने का नहीं डर नहीं लग रहा लेकिन हमें इतिहास से सीखना तो पड़ेगा ना जो भाई जो समझदार लोग होते हैं वो इतिहास से सीखते हैं दूसरों की गलतियों से सीखते हैं तो मुझे लगा कि और मुझे राजस्थान में इस परिपाटी को तोड़ने का हम लोगों ने संकल्प लिया है इसलिए मैंने अपनी पार्टी के अंदर दो ढाई साल पहले कुछ सुझाव दिए थे कुछ सजेशंस दिए थे काम करने के लिए और सरकार संगठन के अंदर हम क्या कर सकते हैं ताकि ये पुनर्वृत्ति ना हो क्योंकि ये लोगों की धारणा बन गई है कि पाँच साल बीजेपी रहेगी पाँच साल कांग्रेस आएगी और फिर जाएंगे ऐसा नहीं है और बाकी स्टेट्स में किशोर जी कांग्रेस की सरकार रिपीट हुई है तरुण गोगोई जी मुख्यमंत्री असाम के थे तीन बार सीएम बने लगातार शीला जी दिल्ली में मुख्यमंत्री थी तीन बार लगातार जीती उनके चेहरे पर वोट पड़ी और पहली बार तो चलो पार्टी आपको मुख्यमंत्री बना देती है लेकिन जब पांच साल बाद आप वोट लेने जाते हैं तो आपके चेहरे पर वोट पड़ता है ना आपके काम पर आपके परफॉर्मेंस पर उनको पहली बार नहीं उनको पहली बार बनाया फिर वो हार गए फिर 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 दूसरी बार बनाया, फिर तीसरी बार बनाया फिर तीसरी बार बनाया वो वो हार हार गए गए तीसरी अभी तीसरी बार तो नहीं हारे मतलब हाँ, अभी तो चुनाव होंगे हाँ, हाँ, हाँ. इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग ऐसा कुछ करें और मैंने बड़े खुले मन से दो ढाई साल पहले क्योंकि मुझे लगा कि हम लोग इसको हम बेटर कर सकते हैं तो वो सुझाव मैंने दिए हैं पार्टी के समक्ष हैं और सोनिया गांधी जी अध्यक्ष थी उस समय सबसे हमने बात करी अपनी बात को रखा और कुछ एक कदम उठाए भी हैं ऐसा नहीं है कुछ काम नहीं हुआ है लेकिन हमें और कुछ करने की ज़रूरत है क्योंकि चुनौती बड़ी है क्योंकि विधानसभा के चुनाव के तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव हैं और पिछली बार हम सरकार बनी हम लोगों की तीन महीने में चुनाव हुए हम पच्चीस की पच्चीस सीट हार गए थे तो ये सब इतिहास है इन आंकड़ों से हमको सबक लेकर आगे बहुत सावचेती से चलना होगा आपने लोकसभा की बात की क्योंकि वो उसके बाद ही आ जाते हैं ये बताइए मोदी जी को हराना मुमकिन है संभव है क्यों नहीं है क्यों नहीं है मैं पूछ ऐसा ऐसा कौन सा नेता है ऐसा कौन सा दल है जिसको हम लोग चुनाव में पराजित नहीं कर सकते हैं और मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता हूं, लेकिन अभी हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए वहाँ का मैं ऑब्जर्वर था और वहां पर डबल इंजन सरकार थी खूब भाषण हुए योगी जी गए मोदी जी गए नड्डा जी गए कोई बचा नहीं जो नहीं छोटा सा राज्य है हिमाचल प्रदेश लेकिन वहां पर हमने चुनौती दी मजबूती से काम किया और वहां सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी है तो कैसे हराएंगे आप कह रहे हैं हमने हिमाचल में हरा के दिखाया है तो यानी आपको पता है कैसे हराया जा सकता है तो अब कैसे हराएंगे मोदी जी को अब ये फॉर्मूला आपको मैं टेलीविजन बताऊंगा क्या है फॉर्मूला क्या है लेकिन मैं कह रहा हूं संभव है आपने कहा आपका सवाल क्या था किशोर जी क्या पॉसिबल है मैंने कहा पॉसिबल है हमने करके दिखाया है दो महीने पहले की बात है तो स्ट्रैटेजी नैरेटिव कैंपेन इश्यूज जनता से संपर्क एक जीवंत एक रिलेशनशिप जो बनता है और लोगों के बीच में हम अगर सही मुद्दों को लेकर जाते हैं तो जनता भी बहुत समझदार है और मुझे लगता है कि इस देश का जो मतदाता है वो तराजू रखता अपने हाथ में वो नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा सत्ता का एकीकरण हो जाए या हमारी बात को फिर लोग सचें सारी वोट हमारी जेब में है नेता समझे तो फिर किसी की परवाह नहीं करते हैं चुनाव जीत जाना किशोर जी चुनाव जीत जाना सरकार बना लेना कोई ब्लैंक चेक नहीं है जीवन भर आप कुछ मर्जी करते रहो एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए एक सशक्त मजबूत विपक्ष होना चाहिए और मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए और मुद्दे कौन से होने चाहिए मुझे नहीं लगता कि मुद्दे जज्बाती हों धार्मिक हों या ऐसे मुद्दे हों जिनका कोई धरातल पर लेने देना नहीं है आप महंगाई के बेरोजगारी के नौजवानों के निवेश के शिक्षा के बिजली के चिकित्सा के दवाइयों इन बातों पर चर्चा कर कर अगर कोई हमसे डिबेट जीत जाए और पब्लिक उसको एक्सेप्ट करे हम सलाम करेंगे लेकिन आप मुद्दों पर चर्चा ही मत करो आप पार्लियामेंट में जो हाल है पहली बार देख रहे हैं कि सत्ता के जो मंत्री हैं वो खड़े होकर पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे हैं

आपके पास मुकाबले का नहीं है मोदी जी के? ऐसा है। जब चुनाव आते हैं तो जो प्रधानमंत्री होता है स्वाभाविक रूप से उसके चेहरे पर पार्टी और दल और गठबंधन चुनाव लड़ता है और हम लोगों ने विपक्ष के सब लोग इस बात से सहमत हैं कि अब लगभग लग लग दस साल पूरे हो जाएंगे अगले साल तो एक बदलाव जनता चाहती है तो देश के लिए विपक्ष की एकता के लिए ज्यादा जरूरी है कि मुद्दों पर भाजपा और एनडीए को घेरें बनस्पत इसके कि कौन चेहरा होगा कौन वन कौन टू कौन थ्री होगा यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है इस बात को कांग्रेस प्रेसिडेंट खरगे जी बोल चुके हैं बाकी विपक्षी नेता बोल चुके हैं और अलग अलग रीजनल पार्टी महत्वपूर्ण महत महत नहीं है क्योंकि आपके पास कोई है ही नहीं ऐसा नहीं बहुत है कम है क्या ज्यादा है <laughs> ज्यादा भी नहीं है लेकिन मैं कह रहा हूं चेहरा कौन होगा ये आज की टाइम आज की डेट में इतना महत्वपूर्ण नहीं है आज विपक्ष की एकता महत्वपूर्ण है मुद्दे महत्वपूर्ण है और भाजपा ने जो जिस प्रकार का रवैया अपना रखा है देश भर में उसका मुकाबला करने के लिए ऑपोजिशन यूनिटी बहुत जरूरी है यूनिटी की आपने बात की बहुत अच्छी बात की लेकिन कांग्रेस के साथ यूनिटी करना ही नहीं चाह रहा कोई ऐसा नहीं चाह रही आपने कहा मोदी जी को ममता जी ने भी हराया बंगाल में हराया ममता जी आपके साथ जाना नहीं चाह रही साफ साफ बोल दिया उन्होंने आपके साथ आम आदमी पार्टी तो जाना नहीं चाह रही आपके साथ पार्लियामेंट में पार्लियामेंट मुद्दा उठा था तो सोलह दल एक साथ खड़े हुए सिर्फ एक या दो पार्टीज नहीं थे और हो सकता है वो अपना मन बाद में बदलें क्या समीकरण बदलें हर पार्टी की हर नेता की अपनी कुछ व्यवस्थाएं होती हैं कुछ पॉलिटिकल कंपल्शन होती हैं लेकिन लार्जली हम लोगों को देश के बारे में अगर सोचना पड़ेगा तो पांच लोकसभा सीटें हैं हम अगर उसका एनालिसिस करें कौन कहाँ ज़्यादा मजबूत है कौन चुनौती दे सकता है हरा सकता है अगर ये सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग एक्सेप्ट करके काम करेंगे और थोड़ा किशोर जी गिव टेक होता है राजनीति में और सारी बातें सवा साल डेढ़ साल पहले को सेटल हो जाए ऐसा भी संभव नहीं है लेकिन मोटा मोटा मैं जानता हूँ कि जब समय आएगा तो सही समय पर सब लोग बैठेंगे और जनता जो बदलाव चाहती है मैं नहीं कहता हूँ कि आ, हम लोग आसानी से चुनाव जीत सकते हैं लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि दस साल के बाद जो बदलाव की परिस्थिति आज पनप रही है उसका लाभ विपक्ष को मिल सकता है